नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फ्रेंडली चैनल में आपका स्वागत है। यहां आप सीख पाएंगे सबस्टेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रियल केस स्टडीज ऑफ पावर सिस्टम और बहुत सारे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे सिलेक्शन ओवर करंट के अंदर और आउटपुट रिले के अंदर जो भी सिलेक्शंस करते हैं हम, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ करना चाहिए, किस सिस्टम के हिसाब से, सिंगल, डबल, मल्टी, ठीक है, जितने भी सिस्टम्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लर्निंग वाला ये वीडियो होने वाला है। और सबसे अच्छी बात कि हम सारा जो केस स्टडीज़ हैं वो हम रियल एग्जांपल के साथ ही ये वीडियो में हम जानने का ट्राई करेंगे। आगे बढ़ने के लिए हम पहले मैं ये एक चीज़ आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपने पहले रिलेज के और मेरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो जितने भी वीडियोस हैं वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, तब जाके आपको ये एग्जांपल्स आज का जो वीडियो है वो समझ में आएगा अच्छे से। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस एक बार देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। ये वीडियो में हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल के अंदर हम एक सिस्टम है उसमें सीटी रेशियो हम ले रहे हैं 500/1। उस टाइम पे हमारा जो फोल्ड करंट होगा वो हम ले रहे हैं 3000 एम्पियर, और उस टाइम पे मेरा जो रिले का ओवर करंट का सेटिंग है वो है, प्लग सेटिंग है वो है 100%, और उस टाइम पे मेरा जो रिले का टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग है वो है 0.05। ये बाकी का नीचे का जो कैलकुलेशन है उसके बारे में अभी आप मत देखिए, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जैसे ही उसका टर्न आएगा, उसका जब बारी आएगी। तो पहले हम बात करते हैं एक सिस्टम लेके। एक सिस्टम हम ले रहे हैं अभी, मान लो कि मेरा एक फीडर है वो ए से लेके बी तक जा रहा है, ये ए पॉइंट है और मान लो कि ये बी पॉइंट है, ठीक है। बी ये जो है वो लोड है, मीन्स कि ए जो पावर दे रहा है वो किसको दे रहा है, डायरेक्टली लोड को, और एक और कोई भी टाइप का बीच में कोई और नहीं है, ठीक है। यहाँ से ए से निकला और सीधा डायरेक्टली बी पे जा रहा है, ओके। और यहाँ पे हम रख लेते हैं ए स्टेशन के ऊपर एक रिले, मान लो कि यहाँ पे मेरा एक रिले है ओवर करंट 851 नंबर, मान लो कि यहाँ पे मेरा एक ओवर करंट रिले है, ओके। तो अभी हमें यहाँ पे कौन सा रिले यूज़ करना चाहिए, हमारे पास हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो स्टडी की है, जो हमने देखी है, वो एक डिफाइनाइट है, एक नॉर्मल इन्वर्स है, एक वेरी इन्वर्स है और एक एक्सट्रीमली इन्वर्स है। तो इनमें से कौन सा बेटर रहेगा, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है एक छोटा सा कि ये जो सीटी रेशियो है, ये जो फोल्ड करंट है 3000 एम्पियर, और उस टाइम पे जो प्लग सेटिंग है और उस मेरा जो TMS है उसके हिसाब से मैंने छोटा सा यहाँ पे एक स्टडी किया है कि कितना टाइम लगता है हर एक चीज़ को। जैसे ही मैं डिफाइनाइट टाइम चूज़ करता हूँ तो मेरा जो सेटिंग है 0.05, यानी यह हुआ 50 मिली सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। तो डिफाइनाइट टाइम यानी कि पर्टिकुलर एग्जैक्टली टाइम, फिक्स टाइम, ओके। तो मेरा ये रिले है वो 3000 एम्पियर जब यहाँ से फोल्ड होगा तो 50 मिली सेकेंड के अंदर ट्रिप हो जाएगा, ओके। दूसरा जो है वो है नॉर्मल इन्वर्स। नॉर्मल इन्वर्स सेम कंडीशन पे 192 मिली सेकेंड पे ऑपरेट होता है, वैसे ही वेरी इन्वर्स 135 मिली सेकेंड पे, और एक्सट्रीमली इन्वर्स होगा 114 मिली सेकेंड पे। ये सारा पूरा कैलकुलेशंस मैंने ऑलरेडी करके रखा है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मेरे बाकी वीडियोस जो मैंने प्रीवियसली अपलोड किए हैं उसमें आप देख सकते हो कि ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, बहुत ही अच्छे से डिटेल में आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। फिलहाल ये मेरा डायरेक्टली फिगर मैंने रखा है ताकि ज़्यादा टाइम ये वीडियो लंबा ना हो जाए और ज़्यादा टाइम यहाँ पे हम स्पेंड ना कर पाए और हमारी जो मेन इम्पोर्टेंट बात है वो रह ना जाए। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अपना टाइम डिफाइन करती है, अपना टाइम एक देती है,
कौन से कंडीशन पे? ये कंडीशन पे 3000 एम्पियर 100% सेटिंग और 0.05 का उसका टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग, ये कंडीशन पे। अब सीधी बात है कि हमें क्या चाहिए, फास्ट ट्रिपिंग चाहिए, ठीक है। जब भी फोल्ड होता है तो हमारा जो रिले है वो जल्दी से ऑपरेट होके इजीली जल्दी से हमारा जो सिस्टम है उसको आइसोलेट करें, ताकि हमारा फोल्ड करंट है वो इंक्रीज़ ना हो जाए, उसका टाइम ज़्यादा ना हो जाए। वही सिस्टम के लिए बेटर है, जितना ज़्यादा फोल्ड करंट होगा उतना हमारे सिस्टम के लिए वो ज़्यादा डैमेज करेगा और ज़्यादा हमारे सिस्टम के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो हमें क्या देखना है, कम टाइम। तो कम टाइम हमें कहाँ पे मिल रहा है, एक डिफाइनाइट टाइम पे मिल रहा है, एक नंबर। दूसरा सेकंड नंबर मुझे एक्सट्रीमली इन्वर्स पे मिल रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है वेरी इन्वर्स, और चौथे नंबर पे आ रहा है नॉर्मल इन्वर्स। तो यहाँ पे हमें सक्सेसफुली मिल रहा है डिफाइनाइट टाइम एक नंबर पे, क्योंकि ये सबसे फास्ट है, बराबर है, 0.05 यानी कि 50 मिलीसेकंड हुआ। तो 50 मिलीसेकंड पे ये मेरा रिले पर्टिकुलर है वो ऑपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कौन सा रिले यूज़ कर सकता हूँ, तो डिफाइनाइट टाइम वाला, कैरेक्टरिस्टिक्स वाला यूज़ में कर सकता हूँ। बाकी का मैं नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ मैं एक्सट्रीमली इन्वर्स भी कर सकता हूँ, मैं वेरी इन्वर्स भी कर सकता हूँ, डिफाइनाइट टाइम भी कर सकता हूँ और नॉर्मल इन्वर्स भी, चारों में यूज़ कर सकता हूँ। बट मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस में है, ये कंडीशन पे है, पर्टिकुलरली मैं ये कंडीशन पे बात कर रहा हूँ। हर एक कंडीशन पे ये सारी चीज़ें चेंज होती रहेगी, ओके। तो फिलहाल मैं ये कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ ए से बी में जा रहा है, बी में लोड है, ठीक है, एक ही कंडीशन है यहाँ पे, और कोई सप्लाई नहीं है, सिर्फ ए से पावर जा रहा है और बी में वो पावर दे रहा है, बस, दैट्स इट। तो यहाँ पे ये कंडीशन में डिफाइनाइट टाइम है वो परफेक्टली हमें अच्छा आउटपुट देगा इसमें, और ये परफेक्टली सही रहेगा हमारे लिए। तो जब आप ये कंडीशन आए कि जहाँ पे आपका ए से बी में डायरेक्टली लोड है, तो वहाँ पे आप फर्स्ट प्रायोरिटी आप डिफाइनाइट टाइम को दे सकते हो, और उसके बाद आप एक्सट्रीमली या वेरी इन्वर्स को दे सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन के बारे में बात करते हैं। मान लो कि नेक्स्ट कंडीशन में ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है, सेम कंडीशन, ए से पावर बी में जा रहा है, बट इस बार ये सिर्फ एक ही पर्सन नहीं है, एक ही लोड नहीं है, यहाँ पे मल्टी कनेक्शंस है। तो रास्ते में यहाँ पे कोई सी में भी गया, यहाँ से कोई डी भी गया, ठीक है, हर एक पॉइंट से अलग अलग कनेक्शंस निकाले, मेन लाइन यही है पर यहाँ पे सबसे टैपिंग किया हुआ है, जैसे हमारे 11 के वी सिस्टम में होता है या 220 के वी सिस्टम में होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हमारा सबस्टेशन है, वहाँ से जो फीडर जाएगा, ठीक है, वो फीडर बहुत सारे टाई लाइन्स के साथ कनेक्टेड होगा, बहुत सारे, वो फीडर स्ट्रेट नहीं होगा, वो बहुत सारे टाइज के साथ कनेक्ट होगा, और हर एक जगह पे एक ट्रांसफार्मर होगा जो उसका 11 या 22 का 440 करके हमारे कंज्यूमर को सप्लाई देगा, ठीक है। ये ऐसा कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक कंज्यूमर नहीं है, बहुत सारे कंज्यूमर्स एक फीडर के अंदर कनेक्टेड हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम जो हमारे अगले केस में हमने डिफाइनाइट टाइम या फिर एक्सट्रीमली इन्वर्स सिलेक्ट किया था, ओके, वो हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि डिफाइनाइट टाइम क्या करेगा, ये 50 मिलीसेकंड पे ये ऑपरेट कर देगा। मान लो कि ये 3000 फोल्ड्स, 3000 एम्पियर यहाँ पे फ्लो हुए हैं, फोल्ड है, मान लो कि फोल्ड है और 3000 एम्प्स यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो 3000 एम्प्स के लिए ये परफेक्ट है कि 50 मिलीसेकंड के अंदर ये ट्रिप हो जाएगा, ओके। बट यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम करेगी कि फोल्ड कंडीशन में ये काम करेगा अच्छे से, बट नॉर्मल कंडीशन में ये अच्छे से काम नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, तो समझते हैं कि मान लो कि ये पूरा ट्रीज़ वाला फीडर है, पूरा कनेक्टेड फीडर है, जो मल्टी फीडर्स हैं ऐसे कनेक्टेड, ठीक है, और मेरा, मुझे ये फीडर चार्ज करना है, उसका ब्रेकर ऑन करना है, ठीक है। तो जैसे मैं चार्ज करूँगा तो इसके साथ कनेक्टेड सारे ट्रांसफॉर्मर जो भी हैं, ये ट्रांसफॉर्मर है, ये ट्रांसफॉर्मर है, जितने भी ट्रांसफॉर्मर्स हैं वो बड़े सडनली चार्ज होंगे। और हमें पता है कि जब हम ट्रांसफार्मर चार्ज करते हैं तो उसमें इंद्रज करंट प्रोड्यूस होता है, इंद्रज करंट जो जनरली
5 to 7 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट, जो हमारा ट्रांसफार्मर का जो फुल लोड करंट होता है उससे 5 से 7 गुना ज़्यादा होता है और काफ़ी टाइम तक वो सिस्टम में रहता है। तो अगर हम ये सेटिंग रखेंगे तो ऐसा होगा कि हर बार हमारा फीडर चार्जिंग टाइम पे ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि 50 मिली सेकेंड तक हमारा जो इंद्रश करंट है, इंद्रश करंट वो स्टार्ट होगा और कुछ टाइम तक वो सिस्टम में रहेगा, फिर वो ज़ीरो होगा, समझ रहे हो आप? ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का पीरियड है, मान लो कि ये आया 100 मिली सेकेंड, तो 100 मिली सेकेंड तक ये विस्टेंट रहना चाहिए और इंद्रश करंट मोर देन 5 to 7 टाइम्स, 5 से 7 गुना ज़्यादा होता है। तो मेरा मान लो कि मेरा सिटी रेशियो, मेरा ट्रांसफॉर्मर का रेटिंग है 100 एम्प्स, तो वो 500 एम्प्स तक वो करंट जाएगा, जबकि मेरा सिटी रेशियो है 100, तो ऑब्वियसली मेरा रिले क्या होगा, पिकअप होगा। ये मोमेंट पे 500 एम्पियर पे मेरा रिले है वो पिकअप हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम करेगा कि जब जैसे मैं फीडर चार्ज करता हूँ, ये सारे ट्रांसफॉर्मर्स चार्ज होंगे, इसके कारण मेरा रिले है वो ट्रिप हो जाएगा विदाउट एनी फॉल्ट और हम फीडर को चार्ज नहीं कर पाएंगे। जब हम ट्राई लेंगे तो हमारे कंज्यूमर भी परेशान होंगे और हमारे सिस्टम भी, हमारी पूरी सिस्टम भी डिस्टर्ब होगी। तो ये वैलिड नहीं है, डिफाइनाइट टाइम हम उस टाइम पे नहीं ले सकते हैं। वेरी इनवर्स भी सेम चीज़ करता है कि जब मेरा फोल्ड करंट ज़्यादा है तो ठीक है वो कम टाइम में ऑपरेट करेगा, बट ये भी क्या है, वेरी इनवर्स है, मीन्स कि ये बहुत ही फास्ट रिले हैं कि जैसे ही मेरा करंट बढ़ेगा ये बहुत ही फास्ट ऑपरेट हो जाएगा। तो ये भी वेरी इनवर्स भी ये कंडीशन के लिए फिजिबल नहीं है, ओके नहीं है। उसके बाद एक्सट्रीमली इनवर्स भी ओके नहीं है क्योंकि ये इससे भी फास्ट है। तो इसमें हमें कैसा रिले चाहिए, तो इसके अंदर हमें ऐसा रिले चाहिए जब फोल्ड होता है तो जो एम्पियर होते हैं, या फिर ऐसी कंडीशन में, इंद्रश वाली कंडीशन में जब एम्पियर हमारे कम होता है तो टाइम ज़्यादा लेना चाहिए। टाइम क्या होना चाहिए, उसका ज़्यादा होना चाहिए ताकि हम इंद्रश को आराम से मैनेज कर पाए। और जैसे फोल्ड करंट हमारा ज़्यादा होता है एम्पियर का, उस टाइम पे टाइम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ऐसा एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है नॉर्मल इन्वर्स। इसके अंदर हमें ये कंडीशन मिलेगी कि एम्पियर हमारे कम होंगे, जैसे कि मैग्नेटाइजिंग करंट जो हमारा ट्रांसफॉर्मर का होगा, तो हमें आराम से ये कंडीशन पे हमें सपोर्ट मिलेगा। और जैसे फुल करंट ज़्यादा होगा तो हमारा रिले है वो फास्ट ऑपरेट हो जाएगा। जो मैंने ये कंडीशन बताई मैग्नेटाइजिंग वाली, दूसरी कंडीशन है कि कभी कभी क्या होता है कि जो भी कनेक्टेड लोड्स होते हैं, ये मान लो कि मैंने ये एग्जांपल में ही हम समझते हैं कि मान लो कि ये बहुत सारे कनेक्शन हमने हैं जो ट्रांसफार्मर के थ्रू दिए हैं। कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो फर्नेस वाले होते हैं, जो ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं, जिसकी फैक्ट्रीज़ में कंटिन्यूस सप्लाई, कंटिन्यूस टेस्टिंग होता रहता है, ठीक है, कंटिन्यूस लोडिंग वाला लोड होता है। जैसे कि फर्नेस हैं तो फर्नेस के अंदर अब जब भी कुछ भी काम होगा तो फर्नेस ज़्यादा लोड लेगी, तो उस टाइम पे हैवी किक आती है। किक मीन्स कि एम्पियर का एक शूटअप होता है। मान लो कि कैसा एम्पियर शूटअप बोलते हैं उसको, मान लो कि फीडर का लोड चल रहा है 40 एम्पियर और अचानक से ये 40 का सीधा 200 एम्पियर जाएगा, ठीक है, पर ये जो टाइमिंग है वो बहुत ही कम होता है, जैसे कि 50 मिली सेकेंड या 100 मिली सेकेंड। तो ये कंडीशन में भी हमारा रिले है वो स्टेबल होना चाहिए। यही न्यूमेरिकल रिले की खासियत है कि हमारा जो रिले है वो रिलायबल होना चाहिए, ऐसी कोई भी कंडीशन में ट्रिप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ऐसे कंडीशन तो रोज़ बनेगी, तो हमारा फीडर है कभी चार्ज नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो? तो ये कंडीशन जो मैंने बताई सारी, ये कंडीशन के अधीन पे ये नॉर्मल इन्वर्स इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहता हूँ, हमारे जो न्यूमेरिकल रिलेज हैं उसके अंदर दो सेटिंग्स होते हैं, कई कई बार Stage 1, Stage 2, कई कई बार कई रिलेज में Stage 3 भी होता है, Stage 4 होता है। ये स्टेज का मतलब क्या है, स्टेज मतलब कि एक ग्रुप, ठीक है, एक सेटिंग आप यहाँ पे अलग कर सकते हो, यहाँ पे कुछ और अलग कर सकते हो, यहाँ पे कुछ और अलग कर सकते हो, यहाँ पे कुछ और अलग कर सकते हो। इससे क्या होता है कि हमारे रिले की जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी है, ऑपरेटिंग क्षमता है, वो बढ़ जाती है। कैसे समझते हैं हम, मान लो कि यही कंडीशन है,
तो यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया कि भाई नॉर्मल इन्वर्स सही है, तो हमारा जो नॉर्मल इन्वर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स मैं स्टेज वन में रख दूंगा। तो यहाँ पे मेरा आ गया नॉर्मल इन्वर्स स्टेज वन में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेटिंग कर दिया 100%, मेरा सी डी रेशियो डाल दिया, मेरा टी एम एस है वो 0.05 डाल दिया, और मेरा मैंने क्या सिलेक्ट कर दिया, नॉर्मल इन्वर्स। स्टेज टू में क्या करूँगा, मैं स्टेज टू डिफाइन करूँगा डायरेक्ट टाइम, डिफाइनाइट टाइम इन मीन्स। तो डिफाइनाइट टाइम का सेटिंग मैं क्या रखूँगा, ये नहीं रखूँगा वरना कोई मतलब नहीं रहेगा। तो डिफाइनाइट टाइम का मैं सेटिंग क्या रखूँगा, मेरा जो हाईएस्ट फॉल करंट लेवल है वो सबस्टेशन का फीडर के हिसाब से, मान लो कि ये सबस्टेशन में के अंदर जनरली 3000 एम्पियर या 2000 एम्पियर फॉल करंट है, ठीक है। तो 3000 एम्पियर्स 500 के हिसाब से अगर मैं मानूँ तो 6 टाइम करंट हुआ, ठीक है, सिटी रेशियो का 6 टाइम हुआ। तो यहाँ पे मैं 6 टाइम्स मीन्स कि 600, जैसे कि स्टेज वन में मैंने क्या किया था 100% रखा था, तो यहाँ पे मैं 600% रखूँगा। ये मैंने एग्जांपल दिया है, ठीक है। अब ये 600 कैसे आया उसका एक पूरा एक डिटेल में वीडियो में बनाऊंगा कि फॉल्ट लेवल कैसे डिफाइन करते हैं सबस्टेशन के अंदर, कोई भी फीडर का फॉल्ट लेवल क्या होता है, वो कैसे काम करता है वो सब। बट फिलहाल ये समझिए कि ये जो फीडर है उसके अंदर मैंने मैक्सिमम मेरा फॉल्ट करंट है वो 600 एम्पियर्स अभी होता है कभी कभी। तो मैं क्या करूँगा कि डिफाइनाइट टाइप का सेटिंग है वो 600 पे कर दूँगा। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो स्टेज वन है वो नॉर्मल इन्वर्स पे ऑपरेट होगा, मीन्स कि जो मैंने सारी कंडीशन जो बताई इन्वर्स वाली लोड वाली वो सारी कंडीशंस के लिए नॉर्मल इन्वर्स काम करेगा। ये कब काम करेगा डिफाइनाइट टाइम स्टेज टू, कि जब मेरा 600 से ऊपर करंट जाएगा, मीन्स कि मुझे रिले फास्ट कब ऑपरेट करवाना है, जब मेरा फॉल्ट करंट हाई है। तो मेरा 3000 एम्पियर्स मान लो कि आया, तो ये उस टाइम पे मेरा ये स्टेज टू है वो पहले ऑपरेट होगा स्टेज वन से पहले, समझ रहे हो। तो मेरा दो काम हो गया इसमें, मेरा मुझे फास्ट ट्रिपिंग भी मिल गया स्टेज टू के हिसाब से जो मुझे चाहिए डिफाइनाइट टाइम में, और मुझे स्टेज वन के वन से मुझे मेरी रिलेज की जो ऑपरेटिंग क्षमता है वो भी मिल गई, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स में इनरश में या फीडर के लोडिंग के हिसाब से मेरा कभी ट्रिपिंग आएगा नहीं। तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल हुआ जिसमें हम मल्टी कनेक्शंस एक फीडर के अंदर मल्टी कनेक्शंस के बारे में बात किया। अभी हम तीसरी कंडीशन की बात करेंगे। तीसरी कंडीशन में मान लो कि ये तीन जगह पे जाता है, मान लो कि ये पॉइंट ए है वो बी को सप्लाई देता है और बी है वो सप्लाई देता है सी को, ओके। ए सप्लाई देता है बी को और बी सप्लाई देता है सी को, और उस टाइम पे मान लो कि यहाँ पे फोल्ड होता है, और कितना ये 3000 एम्पियर्स, हमने जो हमारा एग्जांपल चल रहा है उसके बारे में ही बात करते हैं। 3000 एम्पियर्स यहाँ पे फोल्ड हुआ, 3000 जब फोल्ड होता है तो हमने यहाँ पे देखा कि मेरा जो टी एम एस है उस टाइम पे मान लो कि 0.05 है अभी, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे 50 मिलेगा, यहाँ पे 190, 135 और 114। जैसे कि मैंने रिसेंटली अभी बताया कि डिफाइनाइट टाइम हम मल्टी फीडर्स हैं, मल्टी कनेक्टेड हैं, उसमें डायरेक्टली हम नहीं ले सकते, उसको हम क्या करेंगे स्टेज टू में डाल देंगे। तो यहाँ पे मेरा जो स्टेज टू है वो डिफाइनाइट टाइम हो जाएगा, कितना, तो मेरा जो फॉल्ट लेवल उसके हिसाब से, मान लो कि मेरा फॉल्ट लेवल है 3000 एम्पियर, तो 3000 इसके हिसाब से 600% हो गया। तो स्टेज टू मेरा क्या होगा, 600% मीन्स कि 3000 एम्पियर सिटी रेशियो के हिसाब से, 600% फॉर सिटी रेशियो, ठीक है, इंटू 5 करता हूँ मैं, तो ये हो गया 3000 एम्पियर। और इसके अंदर मेरा जो डिफाइनाइट टाइप के अंदर टाइम है वो जीरो होता है, मीन्स कि इंस्टेंटेनियस, कोई डिले इसमें होता नहीं है। तो जैसे मेरा 3000 एम्पियर के ऊपर जाएगा मेरा ये स्टेज टू ऑपरेट हो जाएगा, तो ये सही है। चलो ये हो गया, अभी मुझे स्टेज वन चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्टेज टू से मेरा काम नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ट्रांसफार्मर का इंद्रश होता है, लोड की पैटर्न चेंज होती है, हाई करंट होता है, तो उस टाइम पे मेरा डिफाइनाइट टाइम ऑपरेट हो जाएगा तुरंत ही। और मैं डिफाइनाइट टाइम डायरेक्टली बढ़ा भी नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं 3000 मैंने रख दिया, मान लो कि स्टेज वन में यही रख दिया, तो 3000 की जगह मान लो कि मेरा फोल्ड करंट आ रहा है 2000, तो मेरा ये डिफाइनाइट टाइम ऑपरेट होगा नहीं,
क्योंकि उसको क्या चाहिए, जो मैंने सेटिंग किया है उसके ऊपर उसका करंट होना चाहिए, तभी ये मेरा स्टेज ऑपरेट होगा। तो इसलिए डिफाइनाइट टाइम ये मल्टी और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के अंदर वो हम उसको यूज़ ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसको इनडायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये स्टेज टू में कर दिया। अभी स्टेज वन हमें ढूंढना है, तो स्टेज वन के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है नॉर्मल इन्वर्स, क्योंकि ये दोनों भी उसमें बेटर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये फोर्ड करंट के साथ बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज होते हैं, तो इसके अंदर भी इंद्रश के साथ रिले ऑपरेट होने के चांसेस हैं। तो नॉर्मल इन्वर्स हमारा बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो जैसे ही करंट बढ़ेगा तो रिले फास्ट होगा, जैसे ही करंट कम होगा रिले धीरे स्लो में ऑपरेट होगा। तो स्टेज वन हमने कर दिया नॉर्मल इन्वर्स, ओके, सेम सेम कंडीशन जो पहले थी वो कर दी हमने, ओके। तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया। अभी मान लो कि ये फोल्ट यहाँ पे नहीं है, अभी अभी फिलहाल ये केस हम यहाँ पे ले रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे फोल्ट है, ठीक है, ये फोल्ड कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने कर दिया कि भी चलो स्टेज वन और स्टेज टू। अभी ये जो ए है वो ए किसके साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे मान लो कि ट्रांसफार्मर के साथ ही होगा, तो मान लो कि ये ट्रांसफार्मर उसको पावर दे रहा है ए को। अभी मान लो कि ए में फोल्ड है, तो वो कंडीशन के अंदर हम ये सेटिंग नहीं रख सकते, समझ रहे हो आप। यहाँ पे 0.05 में मान लो कि नॉर्मल इन्वर्स रख दिया हमने, तो यहाँ पे 0.05 में 192 मिली सेकेंड आया सपोज, चलो, तो यहाँ पे भी 0.05 नहीं रखना है, यहाँ पे ये उसका सोर्स है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो मान लो कि हमने यहाँ पे रख दिया टाइम उसका 0.07, तो 0.07 के हिसाब से हमारा टाइम क्या आएगा, 288 मिली सेकेंड। तो इसको कहते हैं ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या हुआ कि देखो यहाँ पे फोल्ट है, तो ये ब्रेकर जो है, ये जो रिले है वो मेरा 192 मिली सेकेंड पे ऑपरेट होगा, तो उस टाइम पे यहाँ पे रिले, ये मेरा रिले ऑपरेट नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो, क्योंकि फोल्ट बी बी से सी के बीच में है, नहीं कि ए से बी के बीच में। बी से सी के बीच में फोल्ट है, तो उसका रिले मुझे 192 मिली सेकेंड में ऑपरेट हो जा रहा है। अभी यहाँ पे एक चीज़ हमको बहुत अच्छे से समझनी है कि रिले कैसे काम करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 192 मिली सेकेंड जैसे ही यहाँ पे हुआ, उस टाइम पे यहाँ का जो रिले है ए का, वहाँ पे भी 192 मिली सेकेंड हो जाएगा, रिले का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, दोनों रिले के अंदर काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, क्योंकि फोल्ट जो पास होगा वो यहाँ से ट्रांसफार्मर के थ्रू ही पास होगा यहाँ पे। तो यहाँ का जो सीटी होगा वो भी वो करंट लेगा, और यहाँ का जो सीटी है वो भी करंट लेगा, तो दोनों रिले एक साथ ही स्टार्ट होंगे, पर ट्रिप कौन होगा, जिसका टाइम पहले होगा। तो 192 मिली सेकेंड इसका टाइम पहले है, तो ये रिले पहले ऑपरेट होगा। अगर ये रिले ऑपरेट नहीं हो रहा है कोई भी रीज़न से, तब जाके ये रिले 288 मिली सेकेंड पर ऑपरेट होगा। बट यहाँ पे ये दोनों एक साथ में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका टाइम पहले है। तो रिले के अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो सबस्टेशन के बीच में, सी और ए के बीच के अंदर ग्रेडिंग रखना है, एक मार्जिन रखना है, ताकि दोनों रिले एक साथ में ट्रिप ना हो जाए, ओके, अदरवाइज हमारा जो रिले का कोई मतलब रहता नहीं है। अभी यहाँ पे मुझे एक बात आपको बतानी है कि यहाँ पे मुझे स्टेज वन ही रखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं स्टेज टू रख नहीं सकता हूँ। ये कंडीशन आप बहुत अच्छे से आपको समझना है कि यहाँ पे मैंने क्यों दोनों स्टेज रखे और यहाँ पे क्यों नहीं रख रहा हूँ। बहुत अच्छे से आपको समझना है कि यहाँ पे इसलिए मुझे रखना है क्योंकि यहाँ के इसके बाद कुछ है नहीं, ये मेरा एंड पॉइंट हो गया सी। यहाँ पे मैं स्टेज टू नहीं रख सकता हूँ क्योंकि मान लो कि मैंने यहाँ पे यही सेटिंग रख दिया 600 टाइम्स स्टेज टू में डीटी वाला, और मान लो कि सी के अंदर फोल्ड हो रहा है वो 6000 एम्पियर हो रहा है, तो उस टाइम पे 6000 एम्पियर्स तो यहाँ पे पास नहीं होंगे, बट 5000 एम्पियर या 5500 एम्पियर जितना तो एम्पियर यहाँ से पास होगा, ठीक है, पूरा एम्पियर यहाँ पे जितना है वहाँ पे इतना नहीं होगा, क्योंकि बीच में क्या आ गया, इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस आ गया, तो रेजिस्टेंस जैसे बढ़ेगा करंट कम होगा, तो सेम एम्पियर नहीं होंगे, बट
यहाँ पे 6,000 है तो यहाँ पे 5,000 मान लो कि 5,000 तो होंगे ही। तो जैसे ही 5,000 यहाँ पे पास होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रिले ये भी ऑपरेट कर जाएगा डिफाइनाइट टाइम में, जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा ये ब्रेकर भी ट्रिप हो जाएगा और मेरा ये बी वाला भी ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, तो ये गलत बात हो गई। तो मुझे डिफाइनाइट टाइम स्टेज टू कहाँ पे रखना है कि जहाँ पे मेरा जो डाउन स्ट्रीम है वो उसकी इफेक्ट ना आनी चाहिए, ठीक है, तब जाके मैं ये स्टेज टू रख सकता हूँ, अदरवाइज मैं ये स्टेज टू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली मुझे सिर्फ यहाँ पे जो सेटिंग मैंने यहाँ पे 0.05 किया TMS, वही सेटिंग यहाँ पे मुझे सिर्फ 0.075 करना है इस टाइम इस पॉइंट पे, और 0.05 मुझे इस पॉइंट पे करना है। बी का मैं बात कर रहा हूँ और ये मैं बात कर रहा हूँ ए पॉइंट पे, तो इससे क्या होगा, हमारा मार्जिन है वो हमें मिल जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमें दो रिले के अंदर मार्जिन रखना है। अभी हमें एक क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई दो रिले के अंदर हमें टाइम का मार्जिन क्यों रखना है, ग्रेडिंग क्यों रखना है। यहाँ पे अच्छे से आपको मैं समझा देता हूँ कि ये रिले है, मान लो जैसे ही रिले मेरा ऑपरेट होता है, यहाँ पे देखो 192 मिली सेकेंड पर ऑपरेट होगा, तो 192 पे होगा, यही एग्जाम्पल हम लेते हैं चलो, तो 192 पे मेरा ये बी वाला रिले जो है यहाँ पे वो रिले ऑपरेट होता है, तो वो कमांड किसको देगा, ब्रेकर को देगा। अभी ब्रेकर का टाइमिंग होता है, ब्रेकर इंस्टेंटेनियस ट्रिप नहीं होता है, ठीक है, तो ये ब्रेकर का टाइमिंग क्या होता है, जनरली 30 मिली सेकेंड, मान लो 30 मिली सेकेंड जनरली होता है, इसका 192 मिली सेकेंड प्लस ये कितना हुआ 30 मिली सेकेंड प्लस रिले का एरर। अभी रिले क्या है, एक मशीन है, ठीक है, हम उसको करंट देते हैं तो वो क्या करेगा, वो समझेगा, उसको समझने के लिए 20 मिली सेकेंड चाहिए। जैसे कि मैंने मैंने अगले वीडियो में बताया था कि रिले जो है वो वेव फॉर्म जो होता है, सैम्पलिंग सैम्पलिंग जो फ्रिक्वेंसी होती है वो सैम्पल कैसे लेगा, तो ये जो हमारा जो करंट का वेव फॉर्म जाएगा, वोल्टेज का वेव फॉर्म जाएगा, उसमें से सैम्पल लेगा, तो सैम्पल लेने के लिए उसको दो दो साइकिल चाहिए, ठीक है, तो दो साइकिल के हिसाब से वो टाइम लेगा, तो जनरली वो लेते हैं हम 20 मिली सेकेंड। जनरली वो रिले का एरर होता है कि रिले वो समझता है सिस्टम को, तो 192 मिली सेकेंड के बाद वो तुरंत ही 192 पे नहीं ऑपरेट होगा, वो 192 से 20 मिली सेकेंड ज़्यादा लेगा सिस्टम को समझने के लिए, फिर वो आउटपुट देगा। तो हमारा जो टोटल टाइम हो गया, ठीक है, वो 192 प्लस 30 प्लस 20, ओके, तो 242, ओके, तो 242 अराउंड टाइम हो गया। तो हमारा जो रिले का एक्चुअल टाइम है वो 242 है, नहीं कि 192, ओके, तो हमें 242 रखना है, तब जाके ये 282 आगे जो हमारा रिले है, ए वाला रिले है, ए वाला रिले है, उसका टाइमिंग 288 होता है, तो 288 और 242 से मार्जिन रहता है। अगर हम मार्जिन नहीं रखते हैं ये मार्जिन, और मान लो कि सेम सेटिंग रखते हैं 0.05 का आगे, तो ये क्या होगा, क्लैश होगा, दोनों का सेम टाइमिंग हो जाएगा और बी के साथ ए का भी ट्रिपिंग होगा, जो नहीं होना चाहिए, जो हमारे सिस्टम्स की अगेंस्ट है, सिस्टम स्टेबिलिटी के अगेंस्ट है, समझ रहे हो। तो रिले का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिपेंड करता है कि हमारा जो नेटवर्क है, हमारा जो फीडर है वो कहाँ पे है, कौन से लोकेशन पे है, किसके साथ कनेक्टेड है, और उसके साथ में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मीन्स कि उसके ऊपर सोर्स कौन है, उसके डाउन में सोर्स कौन है, कहाँ पे दे रहा है, कौन से लोकेशन पे है, ये बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें वो मायने रखता है। दोस्तों ये वीडियो में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कहीं भी डाउट है, तो आप प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, मेरे मेल कीजिए आप electricalfriendly@gmail.com पे। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वायरीज़ हैं, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मैंने ट्राई किया कि मैक्सिमम चीज़ आपको पता चले कि रिले का सिलेक्शन कैसे करते हैं, फिर भी आपको कुछ भी क्वायरी है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में क्वेश्चन कीजिए, मेल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।